आज सुबह के 8 बज रहे हैं और आज हम लोग बिहार की नई शिक्षा नीति 2023 जो बिहार कैबिनेट ने 48 घंटा पहले पास किया है उसी विषय को लेकर हम सर से समझेंगे। सुनील पांडे सर हमारे मौजूद हैं, राजनीति के साथ साथ शिक्षा जगत के भी बड़े जानकार माने जाते हैं। सर, सारे शिक्षक संघ जब से नई शिक्षक नियमावली आई है नाराज हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नाराजगी का मसला कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि बरसों बाद एक शिक्षक बहाली नियमावली जो कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, बिहार सरकार से जो अप्रूवल मिला है, नए नियमावली से शिक्षकों की बहाली हुई, पहली बात तो ये सूचना है। दूसरी सूचना ये है कि किसी कमीशन के द्वारा, बीपीएससी भी हो सकता है या कोई इंडिपेंडेंट दूसरा आयोग बना के शिक्षकों की बहाली होगी, ये पहली दफा नहीं हुआ है। इसके पहले भी 94-95-90 के दशक में तब लालू हुआ करते थे यहाँ के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, तब यहाँ ये बीपीएससी द्वारा चयन हुआ था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि किन बच्चों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी या कौन बच्चे इसमें एग्जाम में शामिल हो सकते हैं, तो उसके लिए सरकार ने ये घोषणा किया है कि आप बीएड हों, डीएड हों, डीएलएड हों या बेसिक, हाँ, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको टीईटी, बीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी कई नामों से जाना जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है और केंद्र की सरकार भी लेती है, और दोनों का डिग्री का मान्यता सामान्य रूप से है। आप कहीं भी इन शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि आप पास कर चुके हैं या कर चुकी हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं एग्जामिनेशन में बैठने का, ये बड़ी अच्छी बात है। वो पूर्ण रूप से बिहार के कर्मचारी होंगे, अंशकालिक नहीं होंगे, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे होने की बात थी या जो पहले से पिछले दिनों जो कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली होती शिक्षकों का एक अलग गुट हुआ करता था जिनमें सेवा शर्तें वो लागू नहीं होती थी जो बिहार सरकार के अन्य कर्मचारियों के पास जो होता था। पूर्ण रूपेण आप सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे ये तय हुआ है इस नियमावली के द्वारा। मेरा प्रश्न ये है कि स्वागत योग्य कदम है, इसमें दो राय नहीं है, आप एग्जाम लीजिए, अच्छे लड़के आएंगे, अच्छे शिक्षक मिलेंगे, लेकिन तब वो लगातार कितने परीक्षा दें, मेरा प्रश्न ये है। शिक्षक पात्रता भी क्वालिफाई किया, किसी ने बीएड किया होगा तो वो भी टेस्ट देने के बाद उसका एडमिशन हुआ होगा, 2 साल या 1 साल की पढ़ाई उसने किया होगा, डीएलएड हो या बेसिक हो वहां भी टेस्ट देने के बाद ही एडमिशन होता है, तो तमाम तरह से जीवन में कितने टेस्ट उसको देने होंगे। दूसरी बात कि शिक्षकों की यहां अपार वैकेंसी है, पुष्ट अपुष्ट सूत्रों की माने तो 7 लाख से ज्यादा वैकेंसी है, और हमारे पास जो ट्रेंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बच्चे की संख्या कम है यह जान के आश्चर्य होगा, तो फिर आप इतना क्यों विलंब कर रहे हैं, क्यों फिर एक नई परीक्षा, जबकि बच्चों ने यदि सीटीए, टीईटी या सीटीईटी क्वालिफाई किया है तो उसको तुरंत नौकरी मिलनी चाहिए यदि आपकी मंशा सही है। मंशा में फेर है, आप कई लोग कहना शुरू कर दिया है या 1-2 दिनों के अंदर आंदोलन होने की बात हो रही है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि आप ये टालने की प्रवृत्ति है कि अब एक नई नियमावली बनेगी, परीक्षा होगी, एक आयोग का गठन होगा, माने अब सब भविष्य के गर्भ में चला गया। 2019 से लगातार नियुक्तियों की बात चल रही है, शिक्षकों की नियुक्ति की बात चल रही है, और सीटेट पास करके एसटीईटी जो बिहार आनंद किशोर के नेतृत्व में बड़े कड़े परीक्षा को पास कर बच्चों ने नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। 2019 से नियुक्ति होने की बात थी, लेकिन अब क्या है, बीच में ये दूसरा केस शुरू हो गया कि आप एक कमीशन लेगा। भाई साहब, कितने कमीशन और कितनी परीक्षाएं आप लेंगे, पहला तो ये तय कर लीजिए। यदि आप ही का टेस्ट देना था बीएड के बाद या बेसिक के बाद या डीएलएड के बाद, तो वो शिक्षक पात्रता की परीक्षा की क्या जरूरत थी? अभ्यर्थी को कहना है सर कि उसी समय एग्जाम की घोषणा कर देनी चाहिए थी ना, बिल्कुल पढ़ाई कर रहे थे, बिल्कुल था हमारे, बिल्कुल हरेक मानसिक स्थिति की, इस मानसिक पीड़ा से बच्चे गुजर रहे हैं, इस बात को सरकार को समझनी चाहिए। दूसरी तरफ लगातार आप घोषणा कर रहे हैं कि हम 10 लाख की नौकरी देंगे, तो आपको तो सही सामने है शिक्षकों की भारी जरूरत है बिहार में। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, वहां सीधे तौर पर कमीशन मिलता है, लेकिन जहां कमीशन नहीं मिलने की बात है उसको टाला जा रहा है। आप ये नया सगुफा जो छोड़ा है कि आयोग के द्वारा परीक्षा होगी, मेरा उसमें कोई असहमति नहीं है, आप बिल्कुल लें,
लेकिन आप इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे कि जो बच्चे पहले से तीन चार एग्जामिनेशन एंट्रेंस कोर्स पास करने के बाद यदि पात्रता ग्रहण किया है तो उनको आखिर कब तक परीक्षा देनी पड़ेगी और कब तक इस उधेड़ बुन में जीना पड़ेगा, इसका इस प्रश्न का जवाब कौन देगा? सर ऐसा तो नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पहले लिपापोती टीचर भाग करते थे सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, वही पाप को धुलने के लिए मुख्यमंत्री ने बीपीएससी जाते जाते घोषणा कर दिया। कुछ भी संभव है, इसमें तो दो राय नहीं है कि जो मुखिया के स्तर पर बहाली हुई थी यही नीतीश जी के काल में वो कितने काबिल है सबको मालूम है। 77,000 सर हाईकोर्ट में सर मामले और वो जाली शिक्षक अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनकी नौकरी चल रही है, सैलरी मिल रही है, लेकिन आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। उधर मुंह छुपाने की जगह आप इधर दूसरा तरकीब निकाल दिए कि बरसों बरस लग जाएंगे आपकी योग्यता प्रमाणित करने में, और अब तो कमीशन गठन होगा, वैकेंसी आएगी, जिलावार वैकेंसी आएगी, ये होगा वो होगा लंद होगा फंद होगा, बरस दर बरस गुजर जाएगा। आपके अपने बच्चों की चिंता तो है नहीं क्योंकि उनका भविष्य तो सुरक्षित है, लेकिन आम लोग, आम बच्चे, आम अभिभावक जो इस उधेड़ बुन में जी रहे हैं कि अब बच्चे को शिक्षक की नौकरी मिलेगी, उसने ये क्वालिफाई किया, उसने वो क्वालिफाई किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, उसको फिर से परीक्षा देनी होगी और परीक्षा क्या होगा, कब होगा, ये सब भविष्य के गर्त में। तेजस्वी जी सब क्या बच्चों का, उन्होंने तो बड़ा ताकत से चुनाव प्रचार कर रहे थे तो बोला था उन्होंने 10 लाख की नियुक्ति देंगे और सब कुछ सरल करके देंगे, अब क्या बोले थे और सामने क्या आया। अब इसमें नीतीश जी की जिम्मेदारी है कि तेजस्वी जी की जिम्मेदारी है, सरकार दोनों की है, पूरे महागठबंधन की सरकार है, इसमें कोई छोटा है या बड़ा है या कोई कम जिम्मेदार है यह मानने की जरूरत नहीं है या बताने की भी जरूरत नहीं है लेकिन इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर कब तक। अब सर शिक्षक स्कूल बंद कर हड़ताल पर जाने की घोषणा कर रहे हैं, कई संगठनों ने सर अपना प्रेस विज्ञप्ति अपने संस्थान को भेजा है, सर क्या अपील करेंगे बिहार सरकार से आप? सर इस सरकार को इस पर फिर से सोचने की जरूरत है। आपके एक ही स्कूल में 3 कैटेगरी के शिक्षक हो गए, पूर्णकालिक, अर्धकालिक, कॉन्ट्रैक्ट पर, अब जब ये जो कमीशन से जाएंगे जो पूर्णकालिक होंगे, तो ये कैटेगरी और इसका मैसेज जो काम कर रहा है लोग, जो शिक्षक जो कार्यरत हैं, उनकी मानसिकता कैसी होगी और उस मानसिकता के साथ वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, इसके विषय में भी सोचने की जो सरकार को जरूरत है। बजट वगैरह नहीं है क्या सरकार के पास? सर को क्या लगता है सर कि क्यों इतना लेंथी प्रोसेस किया जाते रहा है सर छात्रों के साथ, स्टेट के साथ, क्या आपकी आशंका निर्मूल नहीं है, मैं असहमत नहीं हूं और मैं इस पर पुष्टि माने मोटे तौर पर कहना कहीं मुश्किल है कि बजट की क्राइसिस तो है, इसमें दो राय नहीं है, पैसे आएंगे कहां से, तो उसके टालने के लिए एक तरीका ये हो सकता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि यदि यही करना था तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, बीएड में एडमिशन टेस्ट या शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कई टेस्ट, तो भैया उम्र भर क्या वो टेस्ट देते रहेगा, नौकरी कब मिलेगी। तो आप सुन रहे थे सर ने साफ सवाल कर दिया है बिहार सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों से कि आखिर जो एसटीईटी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो कब तक एग्जाम देते रहेंगे, आखिर उनको कब कितना परीक्षा के बाद अपनी नियुक्ति देंगे। अगर सरकार को बिहार और छात्र हित की जरूरत है, बिहार के गरीब बच्चों का अगर भला चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा सरलीकरण करते हुए जल्द से जल्द बहाली करने की कृपा करें। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।